अस्सलाम वालेकुम सरिश्मा जी। हाँ आहिर ठीक है ना? जी बाजी, दूध पिला दी है मैंने। आप फिक्र ना करें आहिल बाबा की, मैं इसके साथ ही बैठी हूँ। अच्छा प्लीज़ उसका ख्याल रखना, यहाँ पता नहीं हमें कितनी देर लग जाएगी। जी सरिश्मा जी, अल्लाह हाफिज़। रानी, मैं नीचे गेट पर हूँ, अगर कोई काम हो तो मुझे बता देना। जी असद भाई। अम्मी जी, वो हाँ डॉक्टर्स ने रूमी को शिफ्ट कर दिया रूम में, आईसीयू से। अल्लाह का शुक्र, हालत उसकी खतरे से बाहर है। मैं जाके देख लूँ। आप जाएं, बल्कि बैठें उसके पास रूम में, यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। अच्छा बल्कि वो कह रहे थे कुछ दिनों में डिस्चार्ज भी कर देंगे उसे। हेलो। हाँ, ताहिर साहब को नहीं भेजे। थैंक यू। मैकमिंस जी, ताहिर साहब प्लीज आइए, बैठिए। सर, आपके पास मिस सैरिश की कोई इन्फॉर्मेशन, कोई अपडेट आई? उन्होंने किसी को इन्फॉर्म किया कि वो क्यों नहीं आ रही? सर एक्चुअली आपके इल्म में नहीं है, उनके भाई और भाभी का बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ है। वो इस पोजीशन में नहीं थी कि उनसे डिटेल से बात की जाती। बहुत परेशान लग रही थी सर वो। दैट्स एक्चुअली वेरी सैड। आप एक काम करें, जब तक वहां नहीं जाती उनका सारा काम आप टेक ओवर कर लें। राइट सर। ठीक। और दूसरा ये कि आप प्लीज मेरी तरफ से इनको मैसेज दे दीजिएगा कि उनके भाई और भाभी को किसी किस्म की मेडिकल हेल्प की जरूरत हो, हमारी कंपनी उन्हें फुली फैसिलिटेट करेगी। याद से। ओके सर। थैंक यू। राइट। कैसी मेरी बच्ची? ठीक है बेटा, तुम परेशान मत हो। अब कैसी है तबीयत बेटा? तुम ठीक हो ना? आयल किसके पास है? ताबिश मुझसे मिलने क्यों नहीं आ? आयल बिल्कुल ठीक है भाभी, वो रानी के पास है घर पे। आप मुझे ये बताएं कि आपको जरूर जाना था सलोन तैयार होने के लिए। आप जाती ना ये सब होता भाभी। इस ताबिश से मिलवा दे, एक बार मिलना चाहती। इस ताबिश के पास ले जाए।